एक एरोप्लेन में एयर होस्टेस सभी को पानी दे रही होती है, तभी दो टेररिस्ट एरोप्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन दोनों को कोई नहीं पहचान सकता और थोड़ी देर में एरोप्लेन टेक ऑफ हो जाता है। तभी टेररिस्ट का साथी उसे बम सेट करने बोलता है और यह भी कहता है कि उसमें बराबर एक घंटे का टाइमर लगाना है, क्योंकि दोनों एक घंटे के पहले प्लेन से उतरने वाले थे। तब लड़का बम सेट करता है और उसमें एक घंटे का टाइमर लगाता है, लेकिन थोड़ी देर में पायलट सभी को इन्फॉर्म करता है कि यह फ्लाइट एक घंटा डिले हो गई है। तब दोनों टेररिस्ट में खड़बड़ उठ जाती है, क्योंकि बम फटने पर इन दोनों की भी मौत होने वाली थी। तब बूढ़ा उसे बम का टाइमर बदलने बोलता है, लेकिन लड़का सिर्फ बम को डिफ्यूज करना जानता था। तभी होस्टेस को यह बम दिखता है और वह पायलट को इन्फॉर्म करती है। तब पायलट सभी के सामने आकर कोई इंजीनियर ढूंढता है, लेकिन सभी पैसेंजर पायलट को इसका कारण पूछते हैं। तब पायलट सभी को बम के बारे में बताता है, लेकिन वही टेररिस्ट बम डिफ्यूज करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है और पायलट उसे डिफ्यूज करने ले जाता है। तब बम डिफ्यूज हो जाता है। साथ ही साथ टेररिस्ट को सभी लोग एक हीरो की तरह देखना चालू करते हैं। वह देख टेररिस्ट को बुरा लगता है और वह यह काम छोड़कर अपने आप को पुलिस के हवाले करता है।